तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ। आज मैं आपको कुछ इसी तरह का वीडियो बनाना सिखाऊंगा, वो भी मोबाइल की मदद से। तो अगर आप एक एजुकेशनल चैनल चलाते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और मोबाइल से इसको चलिए देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपके पास काइन मास्टर होना चाहिए। अगर आपके मोबाइल में काइन मास्टर है तो ठीक है, नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं बिना वाटर मार्क वाला तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन करिए और डाउनलोड करिए, और वहाँ पर वाटर मार्क नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो क्रिएट न्यू का ऑप्शन लेंगे हम, और यहाँ से हम 16:9 का रेशियो लेंगे। देखिए, जो भी आप काइन मास्टर डाउनलोड करेंगे, जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें 16:9 का रेशियो होगा। भले कुछ इस तरह से ना दिखे, लेकिन ये 16:9 का रेशियो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो 16:9 का रेशियो लेंगे, नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक बैकग्राउंड लेना है और ये बैकग्राउंड मैं आपको दे दूंगा, आप इसको बना भी सकते हैं और मेरे से ले भी सकते हैं। कहाँ से लेना है फ्री में मिलेगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, बैकग्राउंड लेने के बाद से इसे हम 20-25 सेकंड लंबा कर देंगे। यहाँ पे मैंने 28 सेकंड कर दिया। अब यहाँ पे ओके बटन दबा देंगे ऊपर राइट साइड कॉर्नर में, लेयर को क्लिक करना है, यहाँ पे स्टिकर को क्लिक करना है, और यहाँ से हमें कुछ स्टिकर्स लगाने हैं इसमें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा स्टिकर है। 3D सोशल मीडिया आइकन, हम इसे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो ये यूट्यूब का आइकन दिख रहा है इसे हम क्लिक कर देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से रोटेट होता है, हम इसे लगाएंगे। इसके साइज़ को हम छोटा कर देंगे और इसे उंगली से खींच के ले जाएंगे और यहाँ पे कोने में कुछ इस तरह से छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पे कोई और सा भी लगा सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा, जो कि काफ़ी यहाँ रोटेट होता रहता है, तो मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले नीचे वाले इस जो 3D यहाँ पे आइकन दिख रहा है इसे हम खींच के बड़ा कर देंगे। जितना बड़ा मतलब बैकग्राउंड है उतना बड़ा हम इसे भी कर देंगे। अब यहाँ पे ओके बटन दबाएंगे, वापस बिल्कुल शुरू में आएंगे, यहाँ पे लेयर को क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपने सवाल लिखने हैं। अगर आप सवाल टाइप करना चाहते हैं तो टाइप कर दीजिए, या फिर अगर आपने कहीं पे टाइप कर रखा है तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सवाल को, ताकि समय बच जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सवाल लिख दिया, इसको मैं 2 लाइन में कर देता हूँ ताकि यहाँ पे बढ़िया अच्छा से सेट हो जाए। ओके बटन दबा देते हैं। अभी यहाँ पे सवाल आ गया, लेकिन इसका जो कलर है वाइट है, बैकग्राउंड भी वाइट है। तो पहले हम सवाल के कलर को चेंज करेंगे, उसके लिए इस वाइट वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ब्लैक ले लेते हैं, ओके बटन दबा देते हैं। देखिए, ब्लैक आ गया। इसके फॉन्ट को हम चेंज कर देंगे, थोड़ा मोटा कर देंगे, तो उसके लिए ए को दबाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट आ गया, तो यहाँ पर हम रोबोटो मीडियम या फिर रोबोटो बोल्ड ले लेते हैं, ताकि काफ़ी अच्छा दिखे। रोबोटो बोल्ड हमने लगा दिया। हम सवाल को खींच के थोड़ा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से सेट कर लेंगे। ये हमारा सवाल यहाँ पे सेट हो गया। अब यहाँ नीचे देखिए, सवाल का जो ये टाइमलाइन है इसे हम खींचेंगे और बैकग्राउंड के बराबर कर देंगे। अब इसमें इन एनिमेशन लगाएंगे, यहाँ पे इन एनिमेशन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लेटर बाय लेटर को क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरह से आएगा। इसके एनिमेशन के स्पीड को हम थोड़ा स्लो कर देंगे, 2.5 कर देते हैं, ओके बटन दबा देते हैं। तो देखिए, ये हमारा सवाल बन के रेडी हो गया, कुछ इस तरह से हमारा सवाल आएगा। अब इसके 4 ऑप्शन लगाने हैं। 4 ऑप्शन कब लगाएंगे, जैसे ही सवाल खत्म होता है वहाँ पर हम वीडियो को पॉज करेंगे और 4 ऑप्शन लगाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल शुरू में प्ले हेड आ गया, हम वीडियो को प्ले करते हैं। जैसे ही सवाल कंप्लीट होगा हम वहाँ वीडियो को पॉज कर देंगे। सवाल कंप्लीट हो गया, वीडियो को हम पॉज कर दिए। अब यहीं पे हमें क्या करना है, लेयर को क्लिक करना है, टेक्स्ट को क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें अपना 4 ऑप्शन लगाना है। तो हम यहाँ बारी बारी से 4 ऑप्शन लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक बार में भी 4 ऑप्शन लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ बारी बारी ना लगा के एक बार में लगाना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार में कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ भी हमने सवाल लिख रखा है, जवाब लिख रखा है, हम वहाँ जाएंगे। तो यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और सीधा मैं वहाँ आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने सवाल जवाब लिख रखे हैं। देखिए, ये मेरा नोटपैड है जहाँ पे मैं अपने सवाल और जवाब लिख के रखता हूँ। यहाँ पे ये मेरे आंसर है। तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं पूरे आंसर को जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, 4ों को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और वापस मैं कहाँ जाऊँगा, काइन मास्टर में। ये देखिए, काइन मास्टर आ गया यहाँ पर। अब हमने सवाल को यहाँ पर पॉज किया था, वहीं पर है। लेयर को क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है हम अपने सवाल को पेस्ट कर देंगे। देखिए, हमारा सवाल पेस्ट हो गया। अब यहाँ से ओके बटन दबा देंगे, ये 2-3 डॉट इसे हटा दूँ, ओके दबा देंगे। अब ये हमारा जो 4 ऑप्शन यहाँ पे आ गया, लेकिन बैकग्राउंड के साथ टेक्स्ट का भी कलर वाइट है, इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे, उसके लिए वाइट बॉक्स को क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो भी हम कलर लेना चाहते हैं, जैसे अभी हम ब्लैक ले लेते हैं, ओके बटन दबा देते हैं। देखिए, यहाँ पे ब्लैक आ गया। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ABCD एक लाइन से नहीं लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको नीचे जाना है और यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है, और यहाँ पर अरेंज टू लेफ्ट वाले को क्लिक कर देना है, ओके बटन दबा देना है। तो ये हमारा सवाल और इसके 4 ऑप्शन आ गए। इसके फॉन्ट को चेंज करने के लिए सिंपली हम ए को क्लिक करेंगे, और यहाँ हम रोबोटो ब्लैक इसके लिए भी ले लेंगे, ओके कर देंगे, और देखिए कुछ इस तरह से आ गया। अगर आप चाहते हैं आपके जो ये
आंसर इनके कलर और हो, क्वेश्चन के कलर और हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे हम सवाल के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो एक बार सवाल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर वाला ब्लैक वाला जो आइकन है इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई सा भी कलर ले लेंगे। जैसे ब्लू, हमने देखिए ब्लू ले लिया, अब ओके बटन दबा देते हैं। अब यार नीचे टाइमलाइन में देखिए जो सबसे ऊपर है ये सवाल है, ये बीच में जो छोटा सा ये चारों ऑप्शन है, तो हमें इसे भी खींच के बाकियों के बराबर कर देना है। लगभग, आप बिल्कुल मिलाते मत रहिएगा, लगभग बराबर कर दीजिए। ये हो गया। अब एक बार ओके बटन ऊपर कर देंगे, अब प्ले करके देखते हैं। जैसे हम प्ले करते हैं ये हमारा सवाल आ गया और उसके बाद यहाँ हमारे चार ऑप्शन आ गए। अब ऑप्शन पे कोई एनिमेशन नहीं लगा इसलिए एक का मतलब एक साथ आ गए, तो हम क्या करेंगे इसमें भी एनिमेशन लगाएंगे। इसके लिए इन एनिमेशन क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे नीचे लेटर बाय लेटर क्लिक कर देंगे और इसके स्पीड को थोड़ा हम स्लो कर देंगे, 2.5 कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2.5 कर देते हैं, ओके बटन दबा देते हैं। अब चला के देखते हैं शुरू से। अब देखिए यहाँ पे हमारा सवाल आ गया और सवाल जैसे ख़त्म होगा यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन आ जाएंगे और लेटर बाय लेटर आ रहा है, और जैसे चारों ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे वहाँ हमें वीडियो को पॉज कर देना है। जैसे ही चारों ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे वहाँ वीडियो को पॉज कर देना है और यहाँ पे हमें क्या लगाना है, राइट आंसर का ऑप्शन। तो राइट आंसर के लिए लेयर को क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे नीचे जो हैंड राइटिंग लिखा है पेंसिल का आइकन इसे क्लिक करना है और यहाँ से हमें ये स्क्वायर बॉक्स को क्लिक कर लेना है। यहाँ से हम एक कलर चूज कर सकते हैं, जो भी कलर आप दिखाना चाहते हो, तो हम रेड कलर रख लेते हैं। और यहाँ पे बॉक्स का हमें साइज लेना है, तो मैं यहाँ से बॉक्स का साइज जो होता है छोटे से चौथा लेता हूँ, पहला दूसरा तीसरा चौथा चार नंबर। उसके बाद यहाँ पे अब मैं यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ बड़ा सामने ड्रॉ कर दिया लेकिन अभी ये सही तरीके से ड्रॉ नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना है, एक बार वापस यहाँ ओके बटन दबा देंगे, फिर यहाँ नीचे इस पे क्लिक करेंगे और देखिए इसको हम ऊपर नीचे छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो ये हमने रख दिया राइट आंसर के ऊपर। तो मेरा इस सवाल का राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, तो मैंने इसे रख दिया सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। और उसके बाद टाइमलाइन में ये जो छोटा सा है ये इसे हम खींच के बड़ा कर देंगे, कुछ इतना बड़ा कर देंगे। अब अगर इसमें आप कोई फ़ोटो भी लगाना चाहते हैं, इस सवाल से जुड़ा हुआ कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं फ़ोटो तब आए जब ये सवाल ख़त्म हो जाए तब फ़ोटो आए, तो आपको क्या करना है, वापस ओके बटन दबा के यहाँ से बिल्कुल शुरू में जाना है, वीडियो को प्ले करना है। अब मान लीजिए जैसे ही ये सवाल ख़त्म हुआ आप चाहते हैं यहीं पे फ़ोटो आ जाए, तो आप वहीं पॉज कर देंगे, लेयर को क्लिक करेंगे, मीडिया को क्लिक करेंगे और आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए कॉपीराइट फ्री, उस फोटो को आप ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए फोटो टाइमलाइन में नीचे आ गया, इसके ऊपर जब हम कर्सर ले जाएंगे तो ये फोटो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। इसे हम छोटा बड़ा करके कुछ यहाँ पे इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। देखिए अगर आप बड़ा होता है तो इसको छोटा कर लीजिए, छोटा होता है तो इसको बड़ा कर लीजिए। तो ये हमारा फोटो यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब मैं आपको प्ले करके दिखा, अब फोटो को भी खींच के बड़ा कर देना है ना, फोटो को भी लास्ट तक हमारा रहेगा, तो हम यहाँ तक खींच के ले आएंगे फोटो को। अब ओके बटन दबा देंगे और बिल्कुल शुरू से प्ले करेंगे। देखिए अब हमारा सवाल आ गया यहाँ पे और यहाँ जैसे ही सवाल ख़त्म हो गया ये फ़ोटो भी आ गया और यहाँ पे चारों ऑप्शन भी आ गए। चारों ऑप्शन ख़त्म हुए, थोड़े देर का टाइम लगा, 2-3 सेकेंड, और उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन ये राइट आंसर आ गया। अब जो हैंड राइटिंग वाला टैब है ना इसे क्लिक करेंगे, जो ये लाल वाला है उसका टाइमलाइन में नीचे इसे क्लिक करेंगे और यहाँ भी एनिमेशन लगा देंगे, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ बाय स्ट्रोक क्लिक कर देंगे और देखिए इसके स्पीड को भी 1.5 कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। इसके अलावा फोटो को भी एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ भी इन एनिमेशन लगाएंगे और यहाँ फेड लगा देंगे, यानी कि सब चीज़ जब आए तो एनिमेट होके आए। फिर से एक बार प्ले करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा सवाल आया और यहाँ पे फोटो आ गया फेड होके और यहाँ पे ये चारों ऑप्शन आ गए। चारों ऑप्शन के बाद कुछ सेकंड का वक्त लगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए राइट आंसर आ गया ड्रॉ होके। तो इस तरह से हमारा एक जो सवाल है कंप्लीट हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये तो अभी हमने सवाल बनाया, ठीक है, अब हमें इसमें वॉइस ओवर करना है। एक एक सवाल बनाते जाएंगे, वॉइस ओवर करते जाएंगे, इस तरह से हमारा पूरा वीडियो बन जाएगा। तो देखिए अब क्या करना है, वापस हमें शुरू में आना है। अब यहाँ पे अपना जो माइक है उसे अपने मोबाइल के साथ अटैच कर देना है, बिल्कुल शुरू में आना है, मोबाइल के साथ माइक को अटैच कर देना है। और उसके बाद रिकॉर्ड बटन है, अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप एयरफोन ले सकते हैं, एयरफोन को भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एज ए माइक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिकॉर्ड बटन बिल्कुल शुरू में आ जाना है, रिकॉर्ड बटन को क्लिक करना है, यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाएंगे आप इसमें वॉइस ओवर करना शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होने लगेगी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो ये था हमारा पहला सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। इसके चार ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है, और इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो ये हमारा पहला सवाल था। अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। स्टॉप, देखा अब जैसे ही आपका ये खत्म हुआ आपने कहा कि अब चलते अपने दूसरे सवाल पे, वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। अब देखिए ये हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हो गई, यानी इसका मतलब हुआ कि हमारा पहला सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमारा दूसरा सवाल होगा। तो अब इसके लिए क्या करना है, दूसरे सवाल के लिए
देखिए दूसरे सवाल के लिए क्या करना है, पहले ये जो येलो कलर के लाइन है जो टेक्स्ट वाले, इसे क्लिक करना है, यहाँ कैंची के आइकन क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट और प्ले हिट कर देना है, काट देना है। फिर इसी के बराबर नीचे वाले को क्लिक करना है कैंची और इसे भी राइट साइड में काट देना है। फिर ये गांधी जी का जो फोटो आपने लिया था इसे क्लिक करेंगे और इसे भी राइट साइड में कट कर देंगे और जो ये हैंड राइटिंग है इसे भी हम यहाँ पर ट्रिम करेंगे, राइट साइड से कट कर देंगे। अब क्या हुआ, हमारे जो पहला ऑप्शन था चारों, उसका जो सवाल था, उससे जुड़ा जो फोटो था और उससे जुड़ा जो ये हैंडराइटिंग था जो बॉक्स राइट आंसर को दिखा रहा था और उसकी जो ऑडियो थी, ये सारी यहीं पे ख़त्म हो गई। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा दूसरा सवाल शुरू होगा, बैकग्राउंड हमारा वही रहेगा, दूसरा सवाल शुरू होगा। उसके लिए सबसे पहले इस बैकग्राउंड को और बड़ा कर लीजिए, आप देखिए कुछ इस तरह से बड़ा कर लिए और उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये लाल वाला किस चीज़ के लिए है, ये लाल वाला ये इस आइकन के लिए है, तो ये भी हमें अपने पूरे वीडियो में रखना है तो हम इसे भी खींच के बड़ा कर लेंगे। देखिए इस तरह के सवाल में आप ज़्यादा, जब इस तरह का वीडियो बनाते हैं तो उसमें आप ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे, आप इसमें 10 सवाल लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये टाइम बहुत लगता है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर इस तरह का सवाल आप एक बार बना लिए उसके बाद आप इससे जब दूसरा वीडियो बनाएगा, इसके बाद जो वीडियो बनाएगा ना उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में, कि आप इस वीडियो को बनाने के बाद फिर ऐसे वीडियो आप कैसे 2-2 मिनट में बना सकते हैं, यानी कि इससे आधे कम समय में आप अगला वीडियो बना सकते हैं, इसके बाद वाला वीडियो, इसमें आपको इतना टाइम लगेगा, बाद वाले वीडियो में टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए जैसे ही हमारा ये सारी चीज़ें खत्म हुई, हमारा प्ले हेड यहाँ आ गया इसके बाजू में, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फिर वापस लेयर को क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपना सवाल लेंगे, जो भी हमारा सवाल था वो हम आप सवाल लेंगे। देखिए जैसे मैंने ये सवाल ले लिया, अब इसे मैं 2 लाइन में कर देता हूँ, सवाल बड़ा है, 2 लाइन में कर देने से ऊपर नीचे अच्छा दिखता है, ओके मैंने कर दिया। अब देखिए दूसरा सवाल आ गया यहाँ पे, इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, इसके कलर को मैं अभी रेड रख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। सवाल मेरे पास एक ही है और मैं इसी को 2 पेज में आपको बना के दिखा देता हूँ कलर अलग करके, क्योंकि मेरे पास अभी सवाल और जवाब दूसरे नहीं है। तो ये आ गया, अब हमें इसे खींच के बड़ा कर देना है टाइमलाइन में, इसे हम खींच के बड़ा कर देंगे अभी, आप जितना मर्जी उतना बड़ा कर दीजिए, बाद में तो हम इसे कट पिट करके छोटा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ फिर हम शुरू में आ गए, अब देखिए यहाँ पे शुरू में आने के बाद से हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन लेने, लेकिन कब, जब ये हमारा सवाल खत्म होगा उसके बाद हमें 4 ऑप्शन लेने, तो हम यहाँ से प्ले करके देखेंगे। अभी देखिए इसमें एनिमेशन नहीं है तो हम इसमें एनिमेशन लगाएंगे, वो सारे प्रोसेस हमें करने पड़ेंगे जो हम पहले वाले सवाल के ऊपर किए थे, और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है, मैं वो भी इसके बाद बता दूंगा कि उससे बचने के लिए आपको क्या करना है। तो इन एनिमेशन लगा देते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं लेटर बाय लेटर, देखिए लेटर बाय लेटर, इसके स्पीड को हम 3 कर देते हैं, कम कर देते हैं, ओके बटन दबा देते हैं, पहला हमारा एनिमेशन लग गया। अब देखिए ये हमारा सवाल आ गया, जैसा सवाल कंप्लीट होगा यहाँ पे हम 4 ऑप्शन लगा देंगे, पॉज करेंगे, फिर लेयर को क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लगा देंगे 4 ऑप्शन, देखिए 4 ऑप्शन आ गया, ओके बटन दबा देंगे, इसके फॉन्ट के कलर को हम चेंज कर लेंगे, इसके फॉन्ट के कलर को हम ब्लू कर लेंगे और इसे हम यहाँ पर लगा देंगे और इसको हम अरेंज टू लेफ्ट ये वाला कर देंगे ताकि अरेंज टू लेफ्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे ये आ गया, थोड़ा सा इसके साइज़ को हम बड़ा कर देंगे, कुछ इतना बड़ा कर देंगे और इसके साइज़ को भी खींच के हम बड़ा कर देंगे। इससे जुड़ा हुआ हम एक फ़ोटो लगा देंगे, तो अब इससे जुड़ा कोई फ़ोटो नहीं है तो मैं इसमें कुछ और दूसरा फ़ोटो लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सवाल हमारा कंप्लीट हो रहा है, यहीं पे हम फोटो लगा देंगे, तो यहाँ पे मीडिया को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाते हैं डाउनलोड में और यहाँ से हम एक दूसरा फ़ोटो ले लेते हैं ताकि दोनों में अलग अलग फ़ोटो दिखे। तो यहाँ से मैंने एक ग्लोब वाला फ़ोटो ले लिया, इसके साइज़ को छोटा कर दिया और इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, इसमें इन एनिमेशन लगा देंगे पॉप, यानी कुछ इस तरह से आएगा ये, इसे भी हम खींच के बड़ा कर देंगे, जितना बड़ा हमने वीडियो का रखा है अपना इतना बड़ा कर देंगे, बाद में हम कट पिट करते रहेंगे, ओके बटन दबा दिया। अब देखिए इसमें हमें क्या है, हमारा सवाल लग गया, इसके 4 ऑप्शन लग गए, यहाँ पे फोटो भी लग गया। अब जैसे ही 4 ऑप्शन हमारा ख़त्म होगा, प्ले करते देखिए हमारा जैसे ही 4 ऑप्शन ख़त्म हो रहा है तो 4 ऑप्शन एक साथ आ गए, तो इसमें भी एनिमेशन लगाना है, इन एनिमेशन उसके लिए टाइमलाइन में सबसे पहले इसे हम क्लिक करेंगे, यानी जो 4 ऑप्शन वाला जो टाइमलाइन है उसे क्लिक करेंगे, इन एनिमेशन क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम कर देंगे लेटर बाय लेटर और इसके स्पीड को भी हम थोड़ा कम कर लेंगे ताकि बहुत जल्दी ना आ जाए, ओके बटन दबा देंगे। अब देखिए यहाँ से हम प्ले करते हैं, हमारा सवाल आ गया, फोटो आ गया, ये 4 ऑप्शन आ गए, जैसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे उसके बाद 3-4 सेकंड रुक के पॉज कर देना है। अब यहाँ पे हमें राइट आंसर वाला लगाना है, लेयर को क्लिक करना है और यहाँ पे हैंड राइटिंग क्लिक करना है और यहाँ से हमें ड्रॉ कर लेना है हैंड राइटिंग, तो मान लीजिए कि हम इसका आंसर बी है, अभी आप जैसे तैसे ड्रॉ कर लीजिए, ओके बटन दबा दीजिए, उसके बाद नीचे फिर वापस हैंड राइटिंग वाले टैब को क्लिक करिए तो ये विजिबल हो जाएगा, फिर इसे आप जहाँ चाहें छोटा बड़ा आप यहाँ पर उसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आ गया मतलब बी, इसे हमने यहाँ सेट कर दिया,
इन एनिमेशन इस पर लगाएंगे, ये इसे क्लिक करेंगे और ड्रॉ बाय स्ट्रोक कर देंगे, ओके दबा देंगे और इसे भी हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें फिर क्या करना है, यहाँ पे हमें वॉइस ओवर करना है। पहला वॉइस ओवर हो गया था, अब देखिए दूसरा जैसे ही यहाँ पे आएगा यहाँ पे हम कुछ रख देंगे और फिर इससे हम वॉइस ओवर करेंगे। उसके लिए वापस हम रिकॉर्ड बटन को क्लिक करेंगे और जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएंगे वॉइस ओवर शुरू हो जाएगा। तो ये है हमारा दूसरा सवाल आज का। दूसरा सवाल, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? इसके चार ऑप्शन है, कौन सा आंसर सही है जल्दी से बताइए, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू, बी। स्टॉप कर दीजिए। तो ये आपका दो सवाल हो गया। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही जहाँ पे आपकी ऑडियो ख़त्म होती है वहीं से बाकी चीज़ों को कट कर देना है, ट्रिम टू यहाँ पे राइट कर देना है, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे ट्रिम टू राइट कर देना है, सिर्फ ये रेड वाले को छोड़ के, क्योंकि ये जो रेड वाला है ये हमारे इस आइकन का है और ऊपर वाला जो है ये हमारा बैकग्राउंड है। तो उन दोनों को छोड़ के बाकी जितने सवाल और जवाब हैं इन सबको कट कर देना है। ये देखिए इन सबको हम कट कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमारा दो सवाल कंप्लीट हो गया। आप इस तरह से जितने चाहे उतने सवाल ले सकते हैं और अपने वॉइस ओवर करिए और अपने सवाल और जवाब लेके बनाते जाइए। अब देखिए एक चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कि आपने दो तीन सवाल बना लिया। अब देखिए ये पहला सवाल होता है, उसके नीचे चार ऑप्शन होते हैं। आप बार बार एनिमेशन हर सवाल में नहीं लगाना चाहते या हर जवाब में एनिमेशन नहीं लगाना चाहते, तो इसका एक तरीका है। जब ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया ना, अब हमें तीसरा सवाल लेना है, तो आपको क्या करना है, इसे क्लिक करके रखना है। देखिए पहले वाले को क्लिक करना है, उसके बाद लेफ्ट साइड ऊपर यहाँ थ्री डॉट को क्लिक करना है और यहाँ से डुप्लीकेट बना देना है। इसका एक डुप्लीकेट बन गया। इस डुप्लीकेट को पकड़ के रखिए कुछ सेकंड और इसे लाके इसके बाजू में छोड़ दीजिए। देखिए धीरे धीरे करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए इसके बाजू में छोड़ देंगे, कुछ इस तरह से सेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे खत्म हुआ। अब ये क्या हुआ, इसमें एनिमेशन वगैरह लगा लगाया आ गए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, बस हमें क्वेश्चन चेंज करना है। इसे हमने कॉपी किया था, डुप्लीकेट बनाया था, तो पहला सवाल जैसा इसमें सवाल है, दूसरे वाले में जो सवाल है वही तीसरे वाले में भी आ गया। तो हमें सवाल को बदल देना है। इसके लिए क्या करना है, हम यहाँ कीबोर्ड का ऑप्शन है, इसे क्लिक करेंगे और देखिए ये लिखने को आ गया। अब यहाँ पे हम अपने सवाल को, इस सवाल को डिलीट कर देंगे और यहाँ से जो दूसरा सवाल था वो रख देंगे। तो देखिए ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए इसमें एनिमेशन लगा लगा है। आपको बार बार वो सब एनिमेशन नहीं लगाना है। तो ये हमारा सवाल हो गया। जैसे ही हमारा सवाल खत्म होता है, देखिए यहाँ पे जैसे हमारा सवाल खत्म होता है 3:46 पे खत्म होता है, तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन जो है ना इसका भी हम डुप्लीकेट बना लेंगे। एक बार क्लिक करेंगे थ्री डॉट को क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट बना लेंगे। देखिए इसका भी डुप्लीकेट बन गया और इसे हम खींच के लाके इधर रख देंगे। यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब जहाँ हमारा तीसरा सवाल ख़त्म होता है वहाँ हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हम प्ले करके देखते हैं। देखिए जैसे ये हम प्ले कर दे तीसरा सवाल, ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया, तो हमें स्टॉप कर देंगे। अब मान लीजिए कि अंदाजे में हमने आंसर को दूर रख दिया था, तो हम इसे पकड़ के ये प्ले हेड पर ला के छोड़ देंगे। देखिए इसके पास ला के छोड़ देंगे ताकि जैसे ही सवाल से ये इधर आए तो आंसर आने लगे। देखिए ये देखिए चारों आंसर आने लगे। इसमें कोई एनिमेशन नहीं लगाना पड़ा, सारा लगा लगाया, बस इसके टेक्स्ट को बदलना। उसके लिए इसे क्लिक करिए, यहाँ पर एडिट को क्लिक करिए और ये जो बदलना चाहते हैं बदल दीजिए। इस तरह से आप जितने चाहे उतने सवाल जवाब ले सकते हैं और बहुत अच्छा वीडियो बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि अगर इस तरह से आप वीडियो बनाते हैं तो इसमें आप ज़्यादा सवाल और जवाब लेने की कोशिश ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सवाल लीजिए। अच्छा, मैं अगले वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि अब जब आप इस तरह के सवाल जवाब बना लेते हैं तो अगला वीडियो बनाना कितना आसान हो जाता है, कितना टाइम कम लगता है, आप सोच के खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए अगला वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जल्द से जल्द आप वीडियो देख सके, क्योंकि अगला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना ये इतना टाइम गंवाए हुए कैसे आप इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो देखिए यहाँ एक्सपोर्ट का बटन है, इसे क्लिक करिए और यहाँ पे हम 1080 रहने देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा डेटा नहीं अपलोड करने का तो आप 720p भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 30 है तो 30 रहने देंगे। सेव एज वीडियो करेंगे, जैसे ही आप सेव एज वीडियो करेंगे यहाँ पे ये सेव होना शुरू हो जाएगा। ये बार जब कंप्लीट होगा तो सेव होना शुरू हो जाएगा, सेव कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही बार यहाँ कंप्लीट हो जाएगा ये रेड कलर हो रहा है, जैसे ही रेड हो जाएगा तो ये पूरी वीडियो आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो जाएगी, जिसे आप YouTube पे अपलोड कर सकते हैं, अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाइए वहाँ पे मेरा चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पे आपको काइन मास्टर का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको वाटर मार्क की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा अगर वो काइन मास्टर कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो मैं कुछ और भी खोज के आपको वहीं पर प्रोवाइड करवा दूंगा। देखिए बहुत सारे टैंपलेट भी मैं आपको उस चैनल में देने वाला हूँ जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होंगे,
होंगे और बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएंगे। इसलिए चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको फ्री में मिलती रहेगी। और इस वीडियो में जो बैकग्राउंड मैंने यूज़ किया है वो बैकग्राउंड मैं आपको दे दूंगा अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी चीज़ें फ्री मिल जाएंगी जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। इस बैकग्राउंड को मैंने बनाया इसलिए कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।